सो अभी हम लोग देखते हैं कि स्टैक्ड वॉल्स क्या होती है। देखो स्टैक वॉल थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स होती है बेसिक से ना। अब अगर तुम नाम से समझ पा रहे हो तो स्टैक करना मतलब एक दूसरे के ऊपर रखना, तो यहाँ पे भी यही होता है, वॉल को एक दूसरे के ऊपर रखने वाली बात होती है। अगर आप लोगों ने एस्टिमेशन पढ़ा है तो अपन एस्टिमेशन में सबसे स्टार्टिंग में अपने जो सेंटर लाइन और लॉन्ग शॉट लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल आते हैं तो उसमें अपन यही पढ़ते हैं, नीचे कॉन्क्रीट की फाउंडेशन होती है, उसके ऊपर एक वॉल होती है, फिर उसके ऊपर एक पैरापेट वॉल होती है एंड ऑल दैट, फिर अपन उसका एस्टिमेशन निकालते हैं। तो ये कुछ इसी तरीके से स्टैकिंग करना है एक दूसरे के ऊपर। स्टैकिंग करने के लिए ना आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा यहाँ पे नीचे आपकी फैमिलीज के अंदर, दैट इज आप यहाँ फैमिलीज पे अगर क्लिक करोगे तो आपके पास बंच ऑफ फैमिलीज आएगी, जो अगर आपकी प्री लोडेड है इसके अंदर नहीं है, मैंने आपको बताया आप फैमिलीज ऑटोडेस्क के साइड से भी ले सकते हो और नहीं तो आपके बाय डिफॉल्ट ही होती है अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं वॉल्स के अंदर जाऊं तो जस्ट इस वॉल्स के प्लस पे साइन क्लिक करो, तो मैंने अभी आपको जस्ट पिछले लेक्चर में बताया कि तीन तरीके के हमारे पास वॉल्स होती है रिवर्ट के अंदर, एक बेसिक वॉल, कर्टन वॉल और स्टैक्ड वॉल। बेसिक वॉल हमने अभी देख ली और हमारे पास स्टैक वॉल होती है। बेसिक वॉल के अंदर अगर मैं अभी जाऊं हाल फिलहाल, तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, नीचे तीन वॉल्स को डिफाइन कर रखा है और यहाँ पे मैंने इनको नाम दे रखा है आरईटी, आरईटी ना रिवर ट्रेनिंग करके मैंने इनको नाम दे रखा ताकि ये अलग से मुझे दिखे। एक तो है कंक्रीट की फाउंडेशन की वॉल है, एक मेरे पास ब्रिक की पैरापेट वॉल है, पैरापेट मतलब जो छत पे होती है वो, और ब्रिक ऑन ब्लॉक है मतलब सिंपल अपनी जो ब्रिक की वॉल होती है वो। इन तीनों को मैं स्टैक करूंगा एक दूसरे के ऊपर, मतलब नीचे फाउंडेशन की वॉल लगाऊंगा, उसके ऊपर ब्रिक ऑन ब्लॉक लगाऊंगा और उसके ऊपर पैरापेट की लगाऊंगा, तो इसको अपन स्टैक वॉल कहते हैं और उसको फिर अपने स्ट्रक्चर के अंदर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये तीन वॉल्स बेसिक मेरे पास पड़ी हुई है। सर ये तीन हम कैसे बनाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली कोई भी यहाँ पे वॉल में जाना, ठीक है, और आप आपकी कोई भी अपनी सिंपली यहाँ से जेनरिक वॉल सेलेक्ट कर लेना, जैसे ये 140 mm की वॉल ये सेलेक्ट कर दो, उसकी एडिट टाइप में जाके उसको सब चेंज कर दो, एडिट में जाके उसको डुप्लीकेट कर दो, सबसे पहले उसको डुप्लीकेट में ये नाम दे देना जो मैंने नाम दिया, दैट इज आरईटी, दैट इज रिवेट ट्रेनिंग जो भी है, और उसको आगे नाम दे देना ब्रिक की क्या, और उसके एडिट स्ट्रक्चर में जाके उसकी लेयर्स को चेंज कर दो, सिंपल सी बात। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर की लेयर है जो भी मैंने जस्ट उनको बताया कैसे इसको चेंज करना है, तो चेंज कर देना, ठीक है ना, उसकी थिकनेस वगैरह जो भी है तो, और उसका मटेरियल कॉन्क्रीट दे देना, जिसका कॉन्क्रीट देना, जिसको ब्रिक देना उसको ब्रिक देना, पैरापेट में भी होगा पर वो थोड़ा थिन होगा, है ना। मेरे इस केस में थोड़ी सी ये तीनों की तीनों वॉल क्या है ना कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान रखना। जैसे राइट क्लिक करके अगर मैं टाइप प्रॉपर्टी में जाऊं ब्रिक ऑन ब्लॉक की, तो ये वॉल कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके अगर मैं स्ट्रक्चर के अंदर एडिट करूं तो देखो इसमें एक तो बीच में कोर है मेरे पास 215 का कॉन्क्रीट का मेशनरी कोर है बीच में, ध्यान रखना ये ब्रिक वाली वॉल है जो रूम्स के अंदर लगेगी, और फिर उसके ऊपर की तरफ एक मेम्ब्रेन लेयर है डैम्प प्रूफिंग की, ठीक है, फिर एक रिजिड इंसुलेशन है 35 mm का, फिर एक एयर का इंसुलेशन है यहाँ पे खाली जो जगह है 50 का, और फिर एक ब्रिक की लेयर और है 102 mm की, तो क्वाइट थिक वॉल है। और यहाँ पे ऊपर टोटल थिकनेस देखो उसकी है 414, दैट इज 414 mm, ठीक है। ध्यान रखना ये जो रेजिस्टेंस तो थर्मल मास होता है ना, ये खुद ब खुद रिवर्ट कैलकुलेट करता है जिससे से आप मटेरियल डालते हो उसके अंदर, और ये बहुत यूज आता है जब आप ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन कर रहे होते हो, है ना, तो आपका जो भी थर्मल मास जो रेजिस्टेंस वगैरह वो बहुत काम करता है, ठीक है, उसके बारे में अभी अपन बात नहीं करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मैंने वॉल ऐसे बना रखी है पहले से। सिमिलरली आगे ब्रिक एंड पैरापेट पैरापेट है सॉरी, ये ब्रिक ऑन पैरापेट पे राइट क्लिक करके टाइप प्रॉपर्टी में जाओगे, यहाँ के प्रीव्यू मैंने खोल रखा है, ठीक है ना, और फ्लोर प्लान सेलेक्ट कर रखा है, तो दैट्स व्हाई ये ऐसा दिख रहा है। आपके केस में नहीं दिख रहा हो तो ऐसा कर लेना। स्ट्रक्चर के एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जैसे बीच में मेरे पास 102 mm के दो ब्रिक के मेरे पास क्या है यहाँ पे वॉल्स है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास इंटीरियर फेस कुछ नहीं है, इंटीरियर साइड जहाँ पे लिख रखा है और इधर एक्सटीरियर साइड है, इंटीरियर साइड मेरे पास कुछ नहीं है, अब कोई बात नहीं कुछ नहीं रखना, ऐसा क्या कोई जरूरी थोड़ी रखूंगा हमेशा, ठीक है। एक्सटीरियर में फिर मेरे पास डैम प्रूफिंग अभी कुछ है नहीं, 0 mm पे एयर है मेरे पास 85 पे और फिनिश है मेरे पास 102 mm पे। तो आप अलग अलग तरीके की वॉल्स बना सकते हो अलग अलग तरीके से, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको कैंसिल करके यहाँ पे कॉन्क्रीट फाउंडेशन पे जाके देखूँ और इसके मैं एडिट में जाऊँ तो आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ एक कॉन्क्रीट है 375 mm थिक का, ठीक है ना, 375 mm का थिक का एक कॉन्क्रीट है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अलग अलग तरीके की वॉल्स बना सकते हो, पर आपको आना प्रोजेक्ट ब्राउजर में ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो वॉल्स है, इनसे मेरे को भी कुछ काम नहीं है, इनको तो मैं ज्वाइन करूंगा, तो मैं इसको तो कर देता हूँ मिनिमाइज। मैं जाता हूँ स्टैक वॉल के अंदर, तो स्टैक वॉल के अंदर एक बाय डिफॉल्ट पहले से एक फैमिली बनी होगी, ये हमेशा सबके बनी होती है, ठीक है ना, एक मिनिमम स्टैक फैमिली रहती है अंदर। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, मैं टाइप प्रॉपर्टी में जाऊंगा, ठीक है, तो मेरे पास एक वॉल आ रही, ठीक है। फिर से वही बात, हम इसके अंदर एडिट नहीं करेंगे, हम इसको डुप्लीकेट करेंगे, तो मैं डुप्लीकेट करूंगा, ठीक है, और मैं इसका सिंपली कंट्रोल ऑल करके मैं इसको नाम दे देता हूँ स्टैक्ड वॉल, ओके, स्टैक वॉल बन गई। अब देखो इसमें कोई ऑप्शंस नहीं आ रहे ज्यादा, हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रक्चर का ऑप्शन ही आ रहा है, तो स्ट्रक्चर अपन लोग एडिट में जाते हैं। अभी अपन लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने पास दो मेनली यहाँ पे चीजें जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो राइट हैंड साइड में मेरा प्रीव्यू के अंदर ये हाईलाइट होगा, अगर आपको प्रीव्यू नहीं आ रहा है, लेट से ऐसा आ रहा है, तो प्रीव्यू पर क्लिक कर देना और आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। यहाँ पे सिर्फ सेक्शन ही मिलेगा आपको क्योंकि हम लोग वॉल बना रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, दैट इज एक्सटीरियर एक ब्रिक है, कुछ मेटल स्टड बाय डिफॉल्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप जिसको भी सेलेक्ट करोगे ना वो हाईलाइट हो जाएगा, नीचे सेलेक्ट करोगे तो नीचे हाईलाइट, ऊपर सेलेक्ट करोगे तो ऊपर हाईलाइट।
नाउ द मेन थिंग हियर इज कि मेरे पास तीन चीज है, मेरे पास नीचे होगी फाउंडेशन, फिर होगी ब्रिक की वॉल और फिर होगी पैरापेट की वॉल, है ना। तो मैं यहाँ पे तीन चीजों को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं किसी पे भी क्लिक करके इंसर्ट कर दूंगा, एक और तीसरी चीज भी आ जाएगी। तो आप जिस पे भी क्लिक करो और वर्क कर रहे हो तो ध्यान रखना आप उसका मटेरियल सेलेक्ट करो। तो लेट्स से अभी मैं थर्ड को सेलेक्ट कर रखा है, तो नीचे वाली हाईलाइट है, तो नीचे मेरा कॉन्क्रीट होगा, तो मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करूंगा और मेरे पास मेरी यहाँ पे कहीं वॉल होगी, वो ये देखो RET कॉन्क्रीट फाउंडेशन, आप लोगों ने जो भी बना रहे हो क्योंकि आपका वो नाम आएगा, ठीक है ना। तो मैं RET कॉन्क्रीट फाउंडेशन पे क्लिक कर देता हूँ। सिमिलरली मैं ऊपर जाता हूँ सेकंड नंबर पे और सेकंड नंबर हाईलाइट हो रहा है, तो सेकंड नंबर मेरी होगी दैट इज ब्रिक वाली सिंपल, तो इसमें जाऊंगा ये है RIT ब्रिक ऑन ब्लॉक, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। कुड नॉट क्रिएट इंटीग्रल वॉल्स बिफोर, क्या एरर आ रहा भाई, ठीक है। चलो वो कुछ वार्निंग थी, मैंने एक बार के लिए इग्नोर कर दी, तो वो अपन ने वहां पे ब्रिक ऑन वॉल रख दिया सिंपली। ऊपर जाता हूँ और ऊपर वाली पे मैं पैरापेट ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा आ रहा है ब्रिक पैरापेट में, पैरापेट ले। पर अभी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो कुछ अच्छा दिख नहीं रहा, वो अच्छा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने हाइट सही नहीं कर रखी, ठीक है। अब देखो हाइट में एक वेरिएबल है और बाकी किसी को आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। मतलब किसी भी एक को आप वेरिएबल रख सकते हो, बाकी सबको आपको फिक्स करना जरूरी है। वेरिएबल मतलब वो ड्रॉइंग के हिसाब से अपने आपको वैरी करेगा। तो क्योंकि हमारी फ्लोर हाइट वैरी हो सकती है, तो मैं ये जो बीच वाली है ना दैट इज ब्रिक ऑन ब्लॉक, इसको मैं वेरिएबल रखना चाहता हूँ। ये अपने हिसाब से अपने आपको वैरी कर लेगी रूम की हाइट के हिसाब से। तो आप इस सेकंड नंबर को सेलेक्ट रखो और वेरिएबल पर क्लिक कर दो, तो ये वेरिएबल हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली नीचे कॉन्क्रीट की फाउंडेशन पे आओ, कॉन्क्रीट की फाउंडेशन को लेट से मैं चाहता हूँ कि 1500 mm की तो ये हाइट रहे इसकी, कम से कम 1.5 मीटर की, उसको 1500 कर लेता हूँ। सिमिलरली ऊपर ब्रिक पे जाता हूँ मैं, और ये मेरी पैरापॉट है, तो पैरापेट को आप 1 मीटर कितना भी रख सकते हो, मैं लेट से 1.2 नहीं 1200 mm रख देता हूँ, ठीक है। तो वो समथिंग अभी भी आप देख सकते हो ढंग की वो दिख नहीं रही है एक्चुअली, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखो छोटे से हमारे पास टूल बार्स भी आ रहा था, आप यहाँ पे जूम इन कर सकते हो इस जगह पे, ठीक है ना। आप ऐसे जूम इन करके देख सकते हो, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ऑफसेट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑफसेट का कॉलम भी, आप इस ऑफसेट के कॉलम के साथ भी खेल सकते हो। पर यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, इन दोनों के केस की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों केस में ये है कि यहाँ पे इनके जो एक्सटीरियर फेसेस है ना उनको थोड़ा सा फ्लश करना है बस। इसके एक्सटीरियर फेसेस को अगर आप थोड़ा सा किसका होगा ना तो इट विल बी अलाइन। तो यहाँ ऊपर देखो ऑफसेट आ रहा है, ऑफसेट में बहुत सारी चीजें, तो आप इनके साथ भी सीधा खेल के देख सकते हो कि आपको कहाँ पे स्ट्रक्चर आपका सेम दिख रहा है, तो इनके साथ आप खेलना। जैसे मैं फिनिश फेस एक्सटीरियर पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि सारी चीजें मेरी क्या होगी, लगभग सेम हो गई, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये दोनों लाइंड हो गई है मेरी ब्रिक की वॉल बाहर वाली, यहाँ पे मेरा इंसुलेशन अलग से है और यहाँ पे मेरी ये चीज क्या हो गई है, लाइंड अप हो गई। तो आप ऐसा थोड़ा इसके साथ खेल सकते हो, नो नीड टू वरी कि हमेशा आपको एक ही चीज करनी पड़े, है ना। अलग अलग टाइप से अलग अलग चीज आ सकती है। नीचे मेरे पास मेरा क्या बोलते हैं, ये है कॉन्क्रीट का फाउंडेशन है, इसको भी अगर आप अलाइन करना चाहते हो अलाइन कर सकते हो कैसे भी, ठीक है ना। तो आप इसमें यहाँ पे ऑफसेट के साथ खेल सकते हो। लेट्स से मैं लिखता हूँ -20, ठीक है, और मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा ऑफसेट हो गया। आपने -20 कैसे लिखा, मैं पहले खेल खेल चुका, ठीक है, तो मेरे को ध्यान था -20 करने पे ऑफसेट होके एकदम सेंटर लाइन पे आ जाएगी। सर इसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा नहीं होनी चाहिए? हाँ, अगर आप इसकी थिकनेस ज्यादा करना चाहो तो फिर से पीछे जाके कंक्रीट फाउंडेशन की जो आपने वॉल बनाई थी पहले उसको एडिट करके बड़ा कर दो, तो कंक्रीट की फाउंडेशन बड़ी हो जाएगी। अभी मैं हाल फिलहाल यही रखूंगा, मैं इसको ओके दबा के ओके कर दूं, ठीक है। अब लेट्स से ये वॉल तो बन गई स्टैक वॉल, अब इसको इस पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी ड्रॉइंग में आऊंगा और मैं किसी एक वॉल के ऊपर कर्सर रखूंगा, दबाऊंगा, ये पूरी की पूरी वॉल्स को हाईलाइट कर देगा, फिर मैं क्लिक करूंगा ताकि वो सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। फिर इधर प्रॉपर्टीज में आऊंगा और प्रॉपर्टीज में मैं नीचे नीचे आऊंगा, मेरी वॉल मेरे को मिल जाएगी यहाँ पे स्टैक वॉल करके, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और एक वार्निंग आएगी, ठीक है, दैट इज वन और मोर डायमेंशन रेफरेंसेज आर हैविंग इनवैलिड, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही होती है कोनों पे, तो आपको सिंपल डिलीट डायमेंशन कर देना, ठीक है। तो वहां पे क्या करेगा, कोनों पे उन डायमेंशन को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वॉल बन के आ गई, ठीक है। अब दिक्कत ये है, यहाँ पे दिक्कत तो कुछ नहीं है, मतलब अब आपकी वॉल जो है वो स्टैकिंग में बनी है, इन द सेंस कि जैसे एक यहाँ पे आपके पास नीचे कंक्रीट की वॉल है और ऊपर आपके पास एक ब्रिक की वॉल है एंड देन पैरापेट वॉल कंटिन्यू होगी, पर कंक्रीट की वॉल बहुत ऊपर तक है। अगर आप इसको छोटा करना चाहो तो आप छोटा कर सकते हो, आप इस वॉल को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और यहाँ पे आता है आपके पास ब्रेकअप, ठीक है, इनका ब्रेकअप करवा दो, ठीक है। तो ब्रेकअप करवा दिया हमने, ब्रेकअप करवा दिया इन द सेंस नीचे वाली आपकी जो कंक्रीट वॉल है वो अलग सेलेक्ट होगी, ऊपर की जो ब्रिक वॉल है वो अलग सेलेक्ट होगी और पैरापेट वॉल अलग से सेलेक्ट होगी। तो आप इनकी थिकनेस अब यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे आप इस पर क्लिक करो आपकी कंक्रीट वाली वॉल पे और इसमें यहाँ पे हाइट जो है अनकनेक्टेड हाइट जो 1500 इस पर आप थोड़ा कम कर दो, लेट से मैं चाहता हूँ 700 mm पर है, मैं 700 करके इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब बीच में गैप बन गया, तो गैप के लिए कुछ नहीं करना है आपको, अलाइन में जाओ, मॉडिफाई में जाओ, एक सेकंड रुकना, मेरा वो मेन्यू बार आ गया ऊपर, वो जूम से जो रिकॉर्डिंग करता हूँ ना वो तो मैं सेलेक्ट नहीं कर पाता। तो मॉडिफाई में जाएंगे हम लोग, अलाइन में जाएंगे और मैं इस फेस को सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट करके मिडल से थोड़ा सा रोटेट करूंगा और ऊपर वाली इस वॉल को सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मेरा ये इस तरीके से सेलेक्ट हो गया, ठीक है, दैट इज कॉन्क्रीट नीचे चली गई और बाकी मेरी ब्रिक वाली आ गई।
ठीक है ना, इसको आप शेडिंग करके देखो तो आप शेडिंग करके भी देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो नीचे तो मेरी कॉन्क्रीट की फाउंडेशन टाइप वॉल चल रही है, उसके ऊपर मेरी सिंपल वॉल है, उसके ऊपर मेरा पैरापेट वाली वॉल। तो इन दिस वे आप सारी वॉल्स के लिए काम कर सकते हो। इस तरीके से अपन लोग स्टैक वॉल्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये इतना सिंपल तरीका था स्टैक वॉल बनाने का, आप लोग करना खुद ट्राई। मेहनत इसमें लगेगी, मेहनत इसलिए लगेगी क्योंकि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक वॉल्स को क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक स्टैक वॉल भी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। और नहीं अगर आप सिंपली वॉल बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो, ठीक है।